नंबर टू, एप्लीकेशन नंबर टू लिखो बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड, क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है जो यूज की जाती है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा हो जाएगी। तो व्हाट इज एरिया, एरिया कितना होगा, हाफ बेस, बेस कितना है बच्चों, हाफ बेस ए, परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं आपको, एरिया होता है हाफ ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस, बेस कितना है ए, परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा। तो एरिया किसके इक्वल हो गया, इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, हाँ जी, बाय टू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पता करना है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड लेकर उसको टू से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एरिया ऑफ टू वेक्टर्स ट्रायंगल आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करनी है तो, हाँ जी बच्चों, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करनी है तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों अब आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, दोबारा देखो बच्चों, एप्लीकेशन नंबर टू की बात कर रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैंने ट्रायंगल का एरिया पता करना है बच्चों, मान लो दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा, तो सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा। अगर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना है ए, हाइट कितनी है, बी साइन थीटा। ये ए बी साइन थीटा तुम्हें पता है क्या होता है बच्चों, व्हाट इज ए बी साइन थीटा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, याद है ना आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ये ए बी साइन थीटा ओवर टू एज इट इज। इसके बाद बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बच्चों दो ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बनती है, एक ट्रायंगल का एरिया ये होता है, एक और ट्रायंगल का एरिया ये होता है, दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो प्लस करके हमारे पास जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। इसको मैं रफ कर रहा हूं।
बच्चों इसको रब कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखो। ए वेक्टर है 2i कैप 4j कैप, बी वेक्टर है 6i कैप 2j कैप, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखते हैं कौन करता है। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता कर दो, और अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया पता कर। हाँ जी बच्चों ये करो चीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ कैसे करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड बाय टू, कितना है 10। के कैप नहीं आएगा ना, ये तो मैग्नीट्यूड है ना। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करो, जल्दी से बताओ कितना आया। 2i प्लस 8j, 2i प्लस 8j कैप, नो इतना तो नहीं आ रहा, दोबारा देखना कितना आ रहा है। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखना जल्दी से, -20। वेरी गुड, इट इज -20, इट कम्स आउट टू -20 के कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका, 20, मैग्नीट्यूड आ गया 20। मैग्नीट्यूड आ गया 20 बच्चों। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दो, 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो 10 आंसर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ क्या होना बच्चों। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई जे के, बताना जरा, कैलकुलेट करना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने से पहले मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ कितना आया, जल्दी से बताओ बच्चों। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आया सॉल्व करके? यस एनी स्टूडेंट? फिर नहीं, मैग्नीट्यूड आ गया 2√10। ये क्रॉस वेक्टर कितना आया सर? -2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाँ जी बच्चों, एरिया इनटू बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होता है, तो ये आ जाएगा √2। अच्छा बच्चों क्लियर हो गया। एक लास्ट एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3, कोप्लेनर नेचर ऑफ 3 वेक्टर्स। If A vector, B vector and C vector are coplanar
देन ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप, बी वेक्टर है आई कैप प्लस टू जे कैप, सी वेक्टर है जे कैप माइनस के कैप, प्रूव दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये प्रूव करो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। बच्चों पहले तो बी क्रॉस सी पता कर लो, बी क्रॉस सी आप बता दो मुझे कितना ही आएगी सॉल्व करके। बी क्रॉस सी कितनी आ जाएगी बच्चों, सर ये कैसे पता लगेगा कि किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और किन दो का क्रॉस प्रोडक्ट? पहले बच्चे ये साफ लिखा हुआ है, अगर वेक्टर कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में वेक्टर होंगे, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यानी इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की, जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्यों नहीं हो सकता था? बच्चे ये रूल है, अगर हमने कोप्लेनर ऑफ वेक्टर्स पता करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक्चुअली ये मैथ का वेक्टर ना, मैथ का चैप्टर है, उसके अंदर प्रूव करते हैं जब ये कोप्लेनर नेचर तब बनती है जब ये कंडीशन फॉलो करती है, ठीक है ना? हमने तो डायरेक्ट कर लिया कि ये कंडीशन है ऐसे, जैसे ये माइनस टू आई कैप जे कैप के कैप, ये आंसर आया इतना देखना सभी का, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर ये आंसर आया, अब ये जितना भी आया उसकी ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, जितना भी आया उसकी ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर कितना है, टू आई कैप थ्री जे कैप सेवन के कैप, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना निकाला बच्चों, माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी देख लो, जीरो आ जाएगी सॉल्व करके। हाँ जी बच्चों यहां तक देखो आपको समझ आया कि नहीं, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और चलो पहले डाउट पूछ लो आप डीपीपी में अगर कोई डाउट है बच्चों, अगर किसी को डीपीपी में कोई डाउट है तो वो पूछ ले। yes. मैं वेक्टर की डीपीपी भेज रहा हूँ। डीपीपी सिक्स क्वेश्चन 34 ग्रुप में दोबारा भेजना, ग्रुप में ही पढ़िए ना ये यार, तो ग्रुप में भेजना, दोबारा भेजना बच्चों ये ग्रुप में डीपीपी। अब मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, ठीक है पहले तुम्हें से बोला। ये कर लेना डीपी। हाँ जी कौन सा क्वेश्चन है,
टीपीपी 6 का कौन सा क्वेश्चन है बच्चों डाउट? हाँ जी बच्चों सर 34th नंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बच्चों ये ए वेक्टर है कोई ऐसे, ठीक है, ये एंगल थीटा है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा ए कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, या तो ये वाला ड्रॉ कर लो, वो क्या होगा बच्चों ए साइन थीटा होगा वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट को ए एक्स बोला, वाई कंपोनेंट को ए वाई बोला, यहां तक देखना है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है इतने में। एक्स कंपोनेंट क्या है ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट क्या है मेरा ए साइन थीटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें यहां तक किसी को। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए आर, एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 7, वाई कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 6। बच्चों देखना यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, इसके बाद हमें क्या कह रहा है, ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी आर 11 and 9। ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, इनके कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 11 है एंड 9 है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है एंड बी है। कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सॉल्व किया तो क्या हुआ बच्चे, आर वेक्टर हुआ मान लो। यस सर। उस आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 11, वाई कंपोनेंट दिया हुआ है 9। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमने बी पता करना है क्या होगा। समझ आया कंसेप्ट कि नहीं, क्या कह रहा है ये सर? आर जो वेक्टर है उसको भी ड्रॉ कर दो सर डायग्राम में इसको। हाँ, आर वेक्टर को भी डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है, आर कॉस थीटा आर एक्स, ये क्या होगा मेरा आर वाई आर साइन थीटा, यानी मुझे आर कॉस थीटा कितना दिया हुआ है बच्चों 11, आर साइन थीटा मुझे कितना दिया हुआ है 9। ठीक है यहां तक? तो हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है बी का मैग्नीट्यूड पता करना है, बी का मैग्नीट्यूड पता करना है। चीजें यहां तक समझ आ गई सभी को? यस सर। ओके, अब मुझे बी निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे बी, बी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बताएगा कोई यहां पर बी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सर पहले रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर टेन थीटा इज इक्वल टू 9/11। टेन थीटा से आगे आप कॉज निकाल लोगे। देखो या तो एक ऐसे निकाल लो, यहाँ से टेन थीटा निकाल लो डिवाइड करके, 9/11 आ गया, फिर इससे कॉज थीटा भी लिख लोगे आप,
है ना। यस सर, इससे कॉस थीटा अगर आप लिख लोगे तो आप रिजल्टेंट, हाँ बच्चे सर, ये जो दोनों थीटा है अलग अलग डायग्राम में, ये सेम तो नहीं होंगे? ये इन्होंने कहा कुछ नहीं है अभी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ए वेक्टर के कंपोनेंट और रिजल्टेंट के नहीं, अलग अलग होने चाहिए, ये अलग अलग होंगे। वैसे इन्होंने अभी हमें कुछ कहा नहीं, अलग अलग होंगे ये। ए वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए, बी वेक्टर, आर वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए। वैसे भी बच्चों अगर मैं इसको ए वेक्टर मानता हूं तो फिर ये कॉज ये साइन, बस वो उसी का फर्क पड़ेगा, और तो नहीं कुछ फर्क पड़ना। अच्छा इसको पहले करके देखो आप, ये कॉज थीटा निकाल लिया आपने? यस सर। कॉज थीटा कैलकुलेट करने के बाद आगे हम क्या करेंगे इसमें? यस, कॉस थीटा कैलकुलेट करने के बाद आगे क्या करेंगे? आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए वी कॉस थीटा से। यस, कॉस थीटा वहां पर पता है तो आर आएगा वहां से हमें ए और बी की फॉर्म में। ए की वैल्यू आप यहां से पता कर लोगे, देखना ए और टेन थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी, जब कॉस की वैल्यू यहां पर पुट कर लो तो ए की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, देखना ए की वैल्यू आ जाएगी। बच्चे देखो आर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये आर जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमने कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकालोगे, कॉस की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू भी पता लग गई और हमें कॉस थीटा भी बच्चों पता लग गया। यस सर, उधर सेवन से डिवाइड कर कर ए की वैल्यू, सेवन से किस, हाँ बिल्कुल ए से, ओके सर, हाँ बिल्कुल। तो इससे आपका यहाँ से निकलेगा बच्चों बी निकलेगा, करके देखो ट्राई कर लो इसको, ट्राई कर लो बच्चों। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, आप एक चीज और भी कर सकते हो, यू नो आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप होता है कि नहीं? आर एक्स कितना दिया हुआ मुझे, 11 आई कैप, आर वाई कितना दिया हुआ मुझे, 9 जे कैप। तो मुझे क्या पता लग गया ये बच्चे, आर वेक्टर पता लग गया, देखना यहां तक। यस, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ 11 का स्केयर 9 का स्केयर का होल रूट आ गया, आर का मैग्नीट्यूड मुझे डायरेक्ट पता लग गया बच्चों, या ये आर मुझे यहां से पता लग गया डायरेक्ट, ए मुझे यहां से निकल गया वो पुट कर लो, कॉस थीटा आपने निकाल ही लिया तो बी आप निकाल लोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से करने वाला था, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? बाकी आपका जैसे दिमाग काम करता है वैसे बच्चों कर सकते हो क्वेश्चन, जो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी मेथड से करना है। और भी आसान तरीके से करूं मैं इसको, मैं रब करता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ ए एक्स कितना दिया हुआ है, जल्दी से बोलो, अब ए एक्स कितना है, 7, ए वाई कितना है, 6, यही है ना, एक्स एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। ए वेक्टर क्या होता है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो ये कितना आ गया, 7 आई कैप 6 जे कैप, ये ए वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर का होल रूट, ये ए का मैग्नीट्यूड पता लग गया। इसी तरह आर एक्स कितना दिया हुआ बच्चे, 11, आर वाई कितना दिया हुआ, 9। तो क्या करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, आर एक्स कितना है, 11 आई कैप 9 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 11 का स्केयर 9 का स्केयर का होल रूट हो गया, ये आर का मैग्नीट्यूड भी पता लग गया, ए का मैग्नीट्यूड भी पता लग गया। कोई डाउट है किसी को यहां तक? आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी कॉस थीटा होता है बच्चों। आर पता लग गया आपको,
ए पता लग गया, अब मुझे कॉज और बी, बी मुझे पता करना है, कॉज पता लग जाए कहीं से। अब तुम्हें पता है बच्चों ए एक्स किसके इक्वल होता है, सेवन। ए एक्स होता क्या है, ए कॉज थीटा इज इक्वल टू सेवन होता है। यस बच्चों, ए कॉज थीटा इज इक्वल टू सेवन होता है। ए आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, पुट कर दो, तो यहां से क्या पता लग गया मुझे, कॉज थीटा। इस कॉज की वैल्यू को यहां से पुट कर लो, बताना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ओके सर, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था। आपने सारे ट्राई कर लिए ये? सर अभी सारे नहीं हुए, 40 तक हुए हैं। कितने तक? कितने तक? 40th तक सर। 40th तक। अब तो ये पूरी डीपीपी होगी आपकी। कल आपने 96 क्वेश्चंस करने हैं, 96 क्वेश्चन तक जो आपकी डाउट होगी वो आप ग्रुप में भेज दो, तो उस डाउट की डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपको चाहे सोल्यूशन भेज दूंगा, चाहे लाइव क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं आपको मतलब जो सोल्यूशंस है सॉल्व करके आपको भेजता जाऊंगा ग्रुप में। अगर जो डाउट आपने डिस्कस करने होंगे तो मुझे बता देना, उसके लिए हम लाइव क्लास लगा लेंगे। ठीक है? ओके सर। बस आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, बाकी कल करते हैं।